Most welcome to my YouTube channel All Round Literature. So today we will discuss about William Langland, जिनका जन्म 1330 एंड जिनकी डेथ अप्रॉक्स 1400 के आसपास हुई थी. वो 14th सेंचुरी के जाने माने ऑथर थे. विलियम लैंगलैंड इज द प्रिज्यूम्ड ऑथर ऑफ अ वर्क ऑफ मिडिल इंग्लिश एलिटरेटिव वर्स जनरली नोन फॉर पियर्स द प्लोमैन and allegory with a complex variety of religious themes. Langland का लैटिन नेम विलियमस डे लैंगलैंड था. वो एक प्रसिद्ध ऑथर है मिडिल इंग्लिश एलिटरेटिव वर्स के, पियर्स द प्लोमैन जिसका नाम था, जिनमें कॉम्प्लेक्स वेराइटी ऑफ रिलीजियस थीम्स थे. वैसे तो 14th सेंचुरी में ज़्यादातर एलिटरेटिव वर्स का ही यूज़ किया जाता था राइटर्स के द्वारा. Little is known of Langland himself. It seems that he was born in the West Midland of England around 1330, according to internal evidence in Piers the Plowman. Langland के बारे में ज़्यादा कुछ information नहीं मिल पाती है. जो भी उनके thoughts या उनके बारे में concept बना है about his life or where he lived, about his personal life, वो उनके राइटिंग्स द पियर्स द प्लोमैन के थ्रू अदर राइटर्स ने अनुमान लगाया है. इनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है. ऐसा माना जाता है कि वो वेस्ट मिडलैंड ऑफ इंग्लैंड अराउंड 1330 को जन्म लिए थे थ्रू हिज बुक पियर्स द प्लोमैन. अकॉर्डिंग टू दैट लैंगलैंड इज बिलीव टू हैव बीन बॉर्न इन क्लियोबरी मोर्टाइमर श्रॉपशायर ऑल द लेडबरी हेयरफोर्डशायर and Great Malvern, Worcestershire also have strong claims to being his birthplace. माना जाता है कि उनका जन्म क्लियोबरी मोर्टाइमर श्रॉपशायर या फिर लेडब्यूरी हेयरफोर्डशायर या ग्रेट मेलबर्न वॉर्चेस्टरशायर इनमें से कहीं हुआ हो सकता है. बिकॉज अपने राइटिंग में यानी पियर्स द प्लोमैन में उन्होंने इन प्लेसेस की डिटेल्स दी हैं, तो शायद इन एरियाज से उनका कोई कनेक्शन तो रहा होगा. अ 15th सेंचुरी नोट इन द डबलिन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ पियर्स प्लोमैन सेज दैट लैंगलैंड वाज द सन ऑफ स्टेसी डे रोकाय. 15th सेंचुरी के नोट में पियर्स प्लोमैन के डबलिन मैन्यूस्क्रिप्ट में लैंगलैंड को स्टेसी डे रोकाय के बेटे माना गया है, बट ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है. द नरेटर इन पियर्स प्लोमैन रिसीव्स हिज फर्स्ट विजन वाइल स्लीपिंग इन द मेलबर्न हिल बिटवीन हेयरफोर्डशायर एंड वॉर्चेस्टरशायर विच सजेस्ट सम कनेक्शन टू द एरिया. पियर्स द प्लोमैन के नरेटर का फर्स्ट विजन यानी ड्रीम मेलबर्न हिल था, जो कि हेयरफोर्डशायर और वॉर्चेस्टरशायर के बीच पड़ता है. तो ये माना जाता है कि उनका उस प्लेस से कोई कनेक्शन तो ज़रूर रहा होगा. दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ के लिखा है जिसके बारे में पियर्स द प्लोमैन में. द डायलेक्ट ऑफ द पोएम इज़ ऑल्सो कंसिस्टेंट विद दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. पियर्स प्लोमैन वॉज रिटन अबाउट 1377 एज द कैरेक्टर्स इमेजिनेशन सेज ही हैज़ फॉलोड हिम फॉर 540 विंटर्स. क्योंकि पोएम की डायलेक्ट भी देश के उसी हिस्से से जैसी थी पियर्स द प्लोमैन में, जो कि आई थिंक अप्रॉक्स 1377 के आसपास लिखी गई थी. क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर्स इमेजिनेशन के मुताबिक लिखा है अपने राइटिंग में कि 540 विंटर्स देखे हैं उन्होंने, दैट अप्रॉक्स 45 ईयर्स फ्रॉम बॉर्न. यानी अगर उनका जन्म 1330 में हुआ था, 1330 के आसपास हुआ था, तो ये राइटिंग 1377 के अप्रॉक्स लिखी गई होगी. देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट लैंगलैंड डाइड इन 1385 और 1386. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि उनका डेथ 1385 या 86 में हुआ होगा. As a note written by John Butt in a 14th century manuscript of the poem Rawlinson 137 makes direct reference to the death of its author. A note by John Butt in 14th century manuscript of poem Rawlinson 137 में उन्होंने ऑथर की डेथ का रेफरेंस दिया है.
और रेफरेंस देते हुए उन्होंने लिखा है, वंस दिस वर्क वॉज मेड बिफोर विल वॉज अवेयर, डेथ स्ट्रक हिम अ ब्लो एंड नॉक्ड हिम टू द ग्राउंड एंड नाउ ही इज ब्यूरीड अंडर द सॉइल। एक बार यह काम हो जाने के बाद, इससे पहले कि विल को पता चलता, मौत ने उसे एक झटका दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया और अब वह मिट्टी के नीचे दब गया है। विल यहाँ पर पियर्स द प्लोमैन में एक कैरेक्टर था जो कि लैंगलैंड ने लिखा है, तो माना जाता है कि ये उन्होंने उसी उन्हीं के बारे में लिखा है। Most of what is believed about Langland has been reconstructed from Piers the Plowman. जो भी information Langland के बारे में हमें पता चली है वो Piers the Plowman के through ही पता चली है। The poem translated the language and concept of the cloister into symbols and images that could be understood by a layman. पियर्स द प्लोमैन के थ्रू लैंगलैंड 14th सेंचुरी के प्रीस्ट, फ्रायर्स, क्लर्जीमैन, रिलीजियस जो सिंबल्स थे, जो इमेजेस थे, उनके ऊपर जो लोगों का अंधविश्वास था और उन्होंने किस तरह से उनके विश्वास को तोड़ा और वो किस तरह करप्शन की ओर चले गए थे, उस 14th सेंचुरी के वो सिचुएशन को उन्होंने दर्शाया है। रॉबर्ट क्रॉलेज 1550 एडिशन ऑफ पियर्स प्लोमैन प्रोमोटेड द आइडिया दैट लैंगलैंड वॉज अ फॉलोअर ऑफ जॉन क्लिप। रॉबर्ट क्रॉलेज 1550 एडिशन ऑफ पियर्स द प्लोमैन के थ्रू उन्होंने लैंगलैंड को वाइक्लिफ का फॉलोअर बताया है। इट इज़ ट्रू दैट लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ शेयर्ड मेनी कंसर्न्स। ये बात सही है कि वाइक्लिफ एंड लैंगलैंड के सोच और कंसर्न बराबर थे। बोथ क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड पिलग्रिमेज, प्रोमोटेड द यूज ऑफ वर्नैक्युलर इन प्रीचिंग, अटैक्ड क्लरिकल करप्शन एंड इवन एडवोकेट डिसइंडोमेंट, बट दीज टॉपिक्स वेयर वाइडली डिस्कस थ्रू आउट द लेट 14th सेंचुरी एंड वेयर नॉट स्पेसिफिकली एसोशिएटेड विद वाइक्लिफ until after the presumed time of Langland's death. दोनों ने ही उस वक्त के तीर्थ यात्रा या भोग पर सवाल उठाए, प्रचार में भाषा का उपयोग किया, बढ़ावा दिया, मतलब वहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज थी उसको बढ़ावा दिया, क्लर्जी मैन के भ्रष्टाचार करप्शन के बारे में बताया, उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए और मतलब उनके खिलाफ बहुत ही प्रचार किया। लेकिन इन विषयों पर 14th सेंचुरी के अंत में आपको डिटेल्ड वे में चर्चा किया बहुत ज़्यादा लैंगलैंड। लेकिन लैंगलैंड के डेथ तक वाइक्लिफ से उनका कोई भी रिलेशन या विशेष रूप से वाइक्लिफ से जुड़े होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। Although there is little other evidence, Langland's authorship has been widely accepted since the 1920s. हालांकि कुछ अन्य सबूत ऐसे मिले कि 1920s के बाद उनके जो ज़्यादातर लैंगलैंड की राइटिंग को ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी या ज़्यादा स्वीकार किया गया वो 1920s के बाद किया गया है। जैसे कि हम लोग विलियम लैंगलैंड का ये एक क्यूट है फेमस, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, देयर स्मिथ्स नथिंग सो शार्प नॉर स्मेल्थ सो शार्प एज सीम। ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी शार्प नहीं है और ऐसा कुछ भी खट्टा तीखा या गंध का नहीं है जितना कि एक शर्म हो सकता है। शर्म के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है। सो थैंक यू। So that's all for today guys. I hope आपको ये content अच्छा लगा हो और समझ आया हो और ये आपको help करें। So please subscribe my channel and if you like it, तो do subscribe. Thank you so much.